नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। तो सबसे पहले तो मुबारक हो, बाजार लाइफ हाई पे आके खड़ा हो गया है। निफ्टी आपके लिए लाइफ हाई पे आके खड़ी हो गई है। आप सभी के साथ बीते वीक जो लास्ट वीक निकला है, उस वीक में सिर्फ एक ही चीज थी कि मार्केट मूवमेंट ही नहीं दे रहा है। मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, 30-35 पॉइंट की रेंज में ही झूलता रहता है। जिस समय मैं हमेशा सिर्फ एक ही चीज कहता रहा कि जो बॉलिंजर बैंड है ना, ये पूरा स्क्वीज हो गया है। और हमेशा याद रखना, जब भी बॉलिंजर बैंड पूरा स्क्वीज हो जाए ना, बॉलिंजर बैंड नॉर्मली ऐसे होता है, देखो ठीक है, इस तरीके से आप कभी भी अपने चार्ट्स पे इंडिकेटर में बॉलिंजर बैंड डालोगे तो वो इस तरीके से दिखेगा। लेकिन वो कभी कभार क्या होता है, बिल्कुल मार्केट की मूवमेंट होती है तो बिल्कुल ऐसे रेक्टेंगल टाइप पैरेलल दो लाइन हो जाती है, बिल्कुल स्क्वीज हो जाता है। और उसके बाद वो जिधर भी फटता है ना, उस तरफ बड़ा मूव आता है। और टेक्निकल लेवल्स भी यही कह रहे थे कि इनकेस अगर ये मंथली एक्सपायरी से पहले नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो 18450 यानी कि ऑलमोस्ट 350-400 पॉइंट का मूव, और ऊपर की तरफ जिसकी उम्मीद ज्यादा थी उधर ब्रेकआउट देता है तो फिर आपके लिए 20150 के लेवल स्क्रीन पे खड़े हैं। 20150 के आसपास आपने एक्सपायरी पे आता हुआ देखा बाजार, और आज वो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हुआ क्योंकि कल अमेरिका में एक तूफानी तेजी देखने को मिली है। अब इस बाजार में क्या करें, कहां पैसा लगाएं, कहां पैसा ना लगाएं, और आज का आईपीओ भी बड़ी दमदार लिस्टिंग दिखाते हुए दिख रहा है। और उम्मीदें देखो आप, टाटा टेक एकमात्र आईपीओ ऐसा था जब ओपन थे ये 5 के 5 आईपीओ, रेडा, फ्लेयर, गांधार और आपका फेड फिना करके जो, और टाटा टेक 5 आईपीओ टोटल थे, फ्लेयर राइटिंग वगैरह, इन इरेडा भी था। इन पांचों में सबसे ज्यादा टाटा टेक की उम्मीद थी, 90% की प्रीमियम करीब करीब दिख रही थी, डबल होने की उम्मीद थी। इरेडा और आपका फेड, इरेडा, फ्लेयर राइटिंग एंड गांधार ऑयल, ये 20-30% प्रीमियम पे दिख रहे थे, और फ्लेयर राइटिंग तो मात्र 8% के प्रीमियम पे दिख रहा था। लेकिन उसके बाद जो लिस्टिंग हुई वो आपने सारे ही आईपीओ में देखी, बड़ी दमदार हुई, जिसमें फेड फिना और फ्लेयर राइटिंग, इनको कुछ खास और बड़ा रिस्पॉन्स भी रिटेल कैटेगरी से नहीं मिला, उसके बावजूद इतनी तंगड़ी लिस्टिंग, ये अपने आप में बड़ी बात है। अब क्यों है इसको भी मैं बात आपके साथ शेयर करूंगा, बट उससे पहले एक बार बाजार का अपडेट दे देता हूं आपको। निफ्टी डेज हाई पे, वीकली हाई पे, मंथली हाई पे और लाइफ हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। 20,259 का जस्ट अभी इसने हाई लगाया है और 20,256 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। वहीं सेंसेक्स की बात की जाए तो 425 पॉइंट्स की तेजी यहां भी देखने को मिल रही है आप सभी को, बट सेंसेक्स का लाइफ हाई अभी थोड़ा सा दूर है, 500 पॉइंट समथिंग दूर है, तो सेंसेक्स भी आपके लिए जल्दी ही लाइफ हाई लगाता हुआ दिखेगा। वहीं बैंक निफ्टी 45,000 की तरफ एग्रेसिवली बढ़ते हुए दिख रही है आपको, 44,900 पे ट्रेड कर रही है। मिड कैप, स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 0.8% अप है, तो पूरे के पूरे ब्रॉडर मार्केट में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। फ्लेयर राइटिंग का आईपीओ अभी 9:59 हो रहे हैं, 9:59 का समय है, जस्ट एक मिनट बाद ये लिस्ट हो जाएगा तो फिर वापस आएंगे, तो पहले मैं बाकी की अपडेट देता हूं आपको। पीएसयू बैंकिंग सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो पीएसयू बैंक सबसे ज्यादा भाग रहा है 2.25%, फिर मीडिया, फिर रियलिटी, फिर एनर्जी, फिर निफ्टी बैंक। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो बड़ी गिरावट या फिर थोड़ी भी गिरावट दिखा रहा है। एक निफ्टी आईटी जरूर है, आईटी सेक्टर आपके लिए केवल लाल निशान में है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, 0.06% लाल निशान में है, बाकी कुछ भी नहीं है। पूरा मार्केट बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आज के टॉप मूवर्स, टॉप गेनर्स कौन है, एस्टर डीएम लगभग 7.25% ऊपर है, अभी रिसेंटली जो इन्होंने अपना एक प्रोडक्ट बेचा है उसके बाद ये स्टॉक भागता ही जा रहा है। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट 7% ऊपर है, नेटवर्क 18 6.5%, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 6.5%, पीएफसी 6.5%। गिरने वालों की लिस्ट में आज वो शेयर आता हुआ दिख रहा है जो बीते कुछ दिनों में कंटिन्यू भाग रहा है, लाइक NIACL, न्यू इंडिया अश्योरेंस, 4.5% नीचे है, वायरपूल 4% नीचे है, सुंदरम फाइनेंस लगभग 2.5%, ट्यूब इंडिया इन्वेस्टमेंट 2.25%, एंड GICRE NIACL को फॉलो करता हुआ। वहीं आज की बात की जाए तो डिफेंस से रिलेटेड HAL बड़े ऑर्डर के बाद बड़ी तेजी में, कल भी एट द एंड भागा था ये शेयर और आज कैरी फॉरवर्ड दिखा रहा है तेजी, 4% की तेजी है। HDFC बैंक, PFC, रिलायंस एंड REC लिमिटेड, ये टॉप मोस्ट एक्टिव स्टॉक है जिनमें सबसे ज्यादा फंड फ्लो हुआ है अभी तक के बाजार में। निफ्टी की बात करें तो 40 शेयर्स पॉजिटिव है, 10 शेयर नेगेटिव है, पॉजिटिविटी को लीड कर रहा है आज NTPC 4.25% ऊपर, और नेगेटिविटी को लीड कर रहा है SBI लाइफ जो कि 1% से भी कम नीचे है। निफ्टी में कॉन्ट्रीब्यूशन कौन दे रहा है,
L&T सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है 24 पॉइंट का, ITC 16 पॉइंट, ICICI बैंक, NTPC, एक्सिस बैंक। तो तेजी कर रहे हो ना बाजार में, तो इन स्टॉक्स को भी अपनी लिस्ट में लगाना, ये और तेजी बढ़ा रहे हैं तो और बाजार ऊपर जाएगा। गिराने का काम कौन कर रहा है? इंफोसिस, SBI लाइफ, विप्रो, बजाज ऑटो एंड SCL टेक। अगर ये शेयर्स आपके लिए नीचे आ रहे हैं तो फिर समझो बाजार में नीचे की तरफ मूवमेंट आ सकता है, या फिर ये रिकवर करें तो और तेजी से बाजार भागेगा। आज आपके लिए 1 दिसंबर है, तो आपको पता है नया मंथ स्टार्ट हुआ है, तो जितनी भी कंपनियां मंथ ऑन मंथ अपडेट देती हैं उनके अपडेट आएंगे, लाइक ऑटो कंपनियां, लाइक मेटल कंपनियां, लाइक बैंकिंग स्टॉक, ये सारे क्या करते हैं अपडेट देंगे अपना कि हमारा नवंबर का डेटा ये है। जैसे कि बजाज ऑटो ने दिया अपना सेल डाटा, तो ये आपके लिए पूरे वीकेंड के दौरान आते हुए दिखेंगे, तो ऑटो कंपनियों पे फोकस रखना है। अब फ्लेयर राइटिंग की लिस्टिंग हो चुकी है और लिस्टिंग देखिए, चलिए ठीक है, लिस्टिंग के बाद टूटा है, 514 का हाई लगाया है, 450 के करीब टिक रहा है 50% के प्रीमियम के साथ। उम्मीद इतनी भी नहीं थी बट फिर भी बहुत अच्छी लिस्टिंग मिल गई है, और इसमें अगर आईपीओ में लगाया पैसा तो मिला भी होगा, क्योंकि इसके आईपीओ को इतना खास सब्सक्रिप्शन मिला नहीं था, तो जिसने लगाया मिला पैसा मुबारक हो भैया, प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अच्छी लिस्टिंग मिल चुकी है आपको, अच्छी कंपनी जरूर है बट इस वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, बट इतनी उम्मीद नहीं थी। मार्केट क्योंकि काफी भाग गया, 500 पॉइंट मार्केट ऊपर आ गया यार, 400-500 पॉइंट, इसलिए और ज्यादा दमदार लिस्टिंग होते हुए दिखी आपको। तो ये पूरे के पूरे बाजार पे अपडेट, होगा आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।